नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। तो रेलवेज़ की एक और वैकेंसी आ चुकी है, रेलवे जेई की बात कर लो तो रेलवे जेई की वैकेंसीज़ हैं। और ये जो जोन है आपका, देख सकते हो, ये आपका जो आपका गोरखपुर जोन है, गोरखपुर जोन है जो वर्क्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल में है वैकेंसीज़। तो ये ओपनिंग डेट आप देख सकते हो 26/10/2023 से लेकर 9/11/2023 तक इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। ये आरआरबी जेई का ही एक पार्ट है, ठीक है। जूनियर टेक्निकल एसोसिएट करके वैकेंसीज है जो जेई लेवल पे काम करती है। जो वैकेंसीज आपके सामने है देख सकते हो, जूनियर टेक्निकल एसोसिएट इंजीनियरिंग वर्क्स एंड सिग्नल एंड इलेक्ट्रिकल की। जो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 19 है। जनरल की 8 है, एससी की 3 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 5 है, बाकी EWS की 2 है। बाकी ये आपकी आपकी इंजीनियरिंग टेक्निकल एसोसिएट की वैकेंसीज है। बट ये PDF आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है टेक्निकल अंडरस्कोर एग्जामर, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। उसके पास जूनियर टेक्निकल एसोसिएट सिंगल की बात की जाए, 9 वैकेंसीज हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की 9 वैकेंसीज है, बाकी ये देख सकते हो डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। तो एजुकेशन की बात किया जाए, एजुकेशन में आपकी जो है वो आपको सामने मैं बता देता हूँ। जो एजुकेशन है टेक्निकल एसोसिएट वर्कर की बात किया जाए, 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग या BSc इन सिविल इंजीनियरिंग या कम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ स्ट्रीम बेसिक सिविल इंजीनियरिंग कैन बी 4 ईयर बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग या कम्बिनेशन इन स्ट्रीम ऑफ बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो आप डिप्लोमा भी कह सकते हो एलिजिबल है और BTech भी एलिजिबल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई करता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों ब्रांच है इसमें एलिजिबल है, ठीक है। तो BTech भी एलिजिबल है, ठीक है। तो लाइक कर दो इसी बात पे, शेयर कर दो। बाकी उसके बाद आप सिग्नल की बात किया, 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक कम्युनिकेशन साइंस सारे ब्रांच एलिजिबल है, आप देख सकते हो। तो इसमें भी डिप्लोमा और BTech दोनों अलाउड है, ठीक है। बाकी बात किया जाए, देखो यार ये सारी चीज़ें हैं। बाकी प्रिफरेंस देखो, एज लिमिट की बात किया जाए 18 से 33, OBC की 18 से 36, SC ST की 18 से 38 होने वाली है, ठीक है, एज लिमिट जो है आपकी। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, 500-400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस, SC ST की 250 रुपये फ़ीस है, ठीक है। तो ये देख सकते हो कैंडिडेट हो जा रहे एनुअली इंग्लिश 50, तो ये सारी चीज़ें आप EWS का बनवा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका देखो, ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, गेट परसेंटेज आपका 55 मार्क्स, एक्सपीरियंस 30 मार्क्स और इंटरव्यू इतना। तो ये डायरेक्टली रिक्रूटमेंट नहीं है, ये गेट के थ्रू है, मतलब गेट के मार्क्स पे आपका ये आपका होने वाला है। तो गेट क्वालिफाइड और अच्छे मार्क्स हैं तो यू गेट द सेलेक्टेड इन दिस एग्ज़ाम, ठीक है। तो आप गेट में अच्छे मार्क्स लाए हो तो आप इस पर कर सकते हो। GTA की पोस्ट है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। बाकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसे ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। बाकी ठीक है, ऑनलाइन अप्लीकेशन शुरू है तो आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन है। जो सैलरी की बात किया जाए भाई, जेड क्लास में 25, 27, 30, ये 30,000 मैक्सिमम सैलरी है एक्स क्लास में, ठीक है। तो ये सैलरी है जो बहुत कम है, गेट में अच्छे स्कोर ला के इसमें जा रहे हो तो बेकार है। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड एज अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और इंजीनियरिंग, और ये भी पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, परमानेंट जॉब नहीं है, देख सकते हो। प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 9/11/2013 से आपकी ये शुरू हो जाएगी जॉब, ठीक है। तो ड्यूटी पासेज है, क्लास ए की डेली अवेलेबल 500 रुपया लीव है आपकी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू।